अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू इब्राहिम्स फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। अभी बजे समझ के 10:30, मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना हो गया है और मैंने और इब्राहिम ने आप लोग का वेलकम कर दिया है हमारे चैनल पर। तो आप लोग का चाय वगैरह पीना हुआ कि नहीं हुआ? एंड अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, तो सोचा आप लोग को वेलकम कर दूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने मेन्यू में क्या है वो भी आप लोग को दिखा दूँ और दिन के जो है बाकी के जो है वो भी आपको दिखाऊँ। तो चलिए, अभी तो फिलहाल व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, बाकी का जो भी है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय। तो यहाँ पे मेरा ऑमलेट बन चुका है, बन के तैयार है और आज मैंने बनाया है स्प्राउट्स की सब्ज़ी। चाय बन गई है, रोटी भी बना लिया है, अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो मिलते हैं सीधा आपको ब्रेकफास्ट में। हाँ नहीं नहीं हाँ, सवेरे का जो सीन है ब्रेकफास्ट और लंच और शोहर जी को ड्यूटी पे भेजने का वो तो हो चुका है। अभी बनाऊंगी मैं अपना लंच। और हाँ बेटा, मम्मा मम्मा दिन, हाँ सोनू, हाँ बेटा, मम्मा काम कर रही। तो मैंने कल पोल डाला था जिसमें मैंने 3 ऑप्शन दिया था, डेली ब्लॉग्स जो है वो डालूँ कि किसी यूट्यूबर जो अरमान मलिक की यूट्यूबर उसके ऊपर डालूँ कि आप लोगों के पास कुछ आइडिया है। ज़्यादा जो फूड्स है वो अरमान मलिक जो यूट्यूबर है उनके ऊपर आया। मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो आज तक मैं लोगों को देखते हैं वो ऑब्जर्व करता ही हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रखता अपना पॉइंट ऑफ व्यू में रखती हूँ, ठीक है। मुझे किसी का नहीं पता, मैं जितना ऑब्जर्व करती हूँ उसके हिसाब से बोलती हूँ। तो जैसे कि सबको पता है अरमान मलिक जो है वो फेमस टिकटॉकर थे, उनके टिकटॉकर है, हाँ टिकटॉक अभी इंडिया में बैन है। टिकटॉक पे उनका 8.5 मिलियन समथिंग उनका जो है फॉलोअर्स थे। और अरमान मलिक का जो रियल नेम है वो भी सबको पता है कि अरमान मलिक नहीं है, संदीप है। तो उनके बारे में वैसे क्या ख़ास बात करूँ, उनके सबको पता है दो पत्नियां हैं, वो बोलते रहते कि दोनों पत्नियों से वो बहुत प्यार करते हैं, ये वो मतलब तो बहुत सारी बातें होती। देखो मेरा ये मानना है ना कि प्यार जो होती है ना वो दो बार नहीं हो सकता। हाँ ये चीज़ अलग है कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला जाए या फिर वो रिश्ता ख़त्म हो जाए, वक्त के साथ आप उस रिश्ते से उभर जाओ, उसके बाद प्यार दोबारा हो तो चलो मान सकते हैं। आपके बच्चे की माँ, आपकी बीवी, आपका पहला प्यार के मौजूदगी में, हाँ बेटा, अपनी पहली प्यार के मौजूदगी में मुझे फिर से दोबारा प्यार बोल जाए, या तो मैं बोलूँगी कि उस जो पहला जो रिश्ता है उसमें वो प्यार रहा ही नहीं, या फिर दूसरी बात ये है कि जो उनका रिश्ता है उसके बीच में दरार आ चुकी है। वो लोग ना अपने पर्सनल लाइफ के बारे में या फिर अपनी दूसरी शादी जो उन्होंने किया, तो वो बोलते कि उनके ससुराल वालों को ये बात पता ही नहीं थी, बाद में पता चला, फलाना धमाका जो भी। देखो एक बच्चा है, एक बीवी है, तो वो दोनों चीज़ छुपा के इतना बड़ा शादी का फंक्शन करना और इतने सारे फंक्शंस होना और कहीं ना कहीं से कोई बात लीक ना होना, तुम्हारे तरफ से रिश्तेदार जाना, और मुझे तो नहीं लगता कि पहले बीवी तुम्हारे साथ में भी है शादी के फंक्शंस में और फिर भी तुम्हारे दूसरे बीवी के मायके वाले को पता नहीं चल रहा कि तुम शादीशुदा नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता। चलो पत्नी का दबाव में आके मैं पत्नी को मान सकती हूँ कि वो ना बोले सच्चाई, लेकिन रिश्तेदार तो चुगलीखोर होते हैं भाई।
रिश्तेदार तो सच नहीं छुपाएंगे, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। रहा छोटा बच्चा, 1.5-2 साल का छोटा बच्चा, ठीक है, वो कैसे तुमको सबके सामने पप्पा पप्पा नहीं बुलाए? हाँ छोटा बच्चा है भाई, अब मेरे बच्चों को मैं सबको बोलूँगी ये मेरे हस्बैंड की, ये मेरा भाई है, ठीक है, अब मैं तो सबके सामने बोल रही हूँ भाई है। मेरी बेटी को भी समझा दूँगी कि सबको बोलेंगे कि मामा है। बात की बात है, बेटा तो मेरा पप्पा बुलाएगा सबके सामने, उनको ही पप्पा बुलाएगा, तो वो कैसे मैं कुछ छुपा पाऊँगी, ठीक है। और रही सवाल रिश्तेदार, रिश्तेदार को कोई फंक्शन में मैं लेके गई और मैं दूसरी शादी कर रही हूँ और कोई रिश्तेदार ना बोले कि इसकी पत्नी नहीं है, वो तो हो नहीं सकता, वो तो हो नहीं सकता। तो ये जो है ना सारा व्यूज़ का गेम, ठीक है। वो जो घर बसा रहे, मैं तो बोल रही हूँ कि ये मियाँ बीवी के रिश्ते का तौहीन कर रहे हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता ही नहीं है। मैं अपनी मियाँ को साइड में रख के, या फिर मेरे मियाँ का मेरे को साइड में रख कर दूसरा प्यार, और बोलते कि तू भी रहे वो भी रहे, ये ना मजाक होता है ये। फिर सबसे बड़ी बात क्या है पता है, सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या खलती है, मैं उनके कमेंट बॉक्स में एक ही चीज़ बोलती हूँ कि वो हिंदू है, ठीक है, उन्होंने 2-2 बीवियों को साथ पे रखने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाया, ठीक है। संदीप सलमान मलिक बने, ठीक है, संदीप सलमान मलिक बने, बहुत अच्छी बात है। तो जिस धर्म को तुमने एक्सेप्ट किया, जिस चीज़ से बचने के लिए तुमने उस धर्म को एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर चलो। तुमने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुमने इस्लाम कबूला, और फिर अभी वही के वही हिंदी रीति रिवाज से फिर से शादी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये तो गलत है। ये फिर हमारा इस्लाम बदनाम करना हो गया, क्योंकि भाई ऐसा होगा फिर कि तुमको हिंदू लोग जगह नहीं देंगे 2-2 बीवियों को रख के, काफ़ी लोग जगह देते भी नहीं सोसाइटी में, तब इसलिए तुमने इस्लाम धर्म कबूला। ये जो आजकल हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, एकदम मैं क्या बोलूँ, एकदम गंद मजा के रख दिया, जात पात के नाम पे, रिश्तों के नाम पे, मतलब कितनी गंद मच गई है ना कि हमारे बच्चों का जेनरेशन क्या होगा, इनको देख देख के क्या सीखेंगे। मैं तो खुद सोचती हूँ यार, मतलब कि कुछ सीखने लायक तो बचा ही नहीं, कुछ सीखने लायक बच्चों को जो हाथ में मोबाइल दो, वो क्या गारंटी है कि ऑनलाइन से वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, मतलब कुछ अच्छी अच्छा ही रहा ही नहीं कि कुछ सीखे। और जो अच्छी चीज़ सिखाते हैं उन, वो तो ज़्यादा फेमस होते भी नहीं, और उनको लोग और ट्रॉल करते हैं, वो दब जाते हैं, क्योंकि ना उनके व्यूज़ आते हैं, ना उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ना उनको लाइक्स मिलते हैं, ना कुछ। ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल चैनल भी देखा है मैंने जो एकदम पीछे रह गए, और ये जो नंगा नाच नाच रहे 2-2 बीवियों को लेके, फिर कटे कटे कपड़े पहन के, हिंदू इस्लाम कबूल कर लेता है शादी के लिए, फिर इस्लाम कबूल करके वही हिंदू वाली ज़िंदगी जीता है, और इनके व्यूज़ तो मिलियंस में है। मियाँ बीवी तीनों कमा रहे हैं, फिर बेटे का यूट्यूब चैनल है, बेटे के नाम पर भी कमा रहे हैं। मतलब भाई क्या हो रहा है भाई, दुनिया भर, मतलब कि ये तो जलजला आने का मतलब कि निशानी होगी भाई। मतलब कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो किसी की रिलीजन का, कुछ कल्चर का, कुछ तो शर्म करो। मतलब कि अब ऐसा हो जाएगा ना कि मतलब कि अब तो सिर्फ रेप होती है, बेटियों की रेप होती है, कल को ऐसा हो जाएगा ना कि बेटों के भी ज़बरदस्ती शोषण शुरू हो जाएंगे। बीवी धमका के मर्दों को शोषण करेंगी, मतलब कि जो सिचुएशन ऐसा हो गया ना कि हम ना किसी पर भरोसा नहीं करते। आज आपको पता है एक चीज़, मेरा जो बच्चे का स्कूल है, मेरी बेटी का, वो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट भी नहीं लगते स्कूल पहुँचने में। और सवेरे मेरे पास इतने काम होते हैं, आप लोगों को पता ही है, 8 बजे से उसका स्कूल है, तो मैं उसको छोड़ना पॉसिबल नहीं है। उसके पापा थोड़ा लेट सोते हैं तो काम करके तो सोते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको गाड़ी लगवाया, गाड़ी वाले का नंबर दिया मैंने कि बेटी को जो पैदल भेजो, उसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ज़माना ऐसा हो गया ना भाई कि हम तो औरतें हैं, औरतों पर बुरी नज़र डालते हैं। उस दिन दिल्ली का एक केस देखा, 80-85 साल की औरत को, भी बूढ़ी औरत जो बिस्तर में, उसको रेप कर डाल ले, 5-6 साल के बच्चे को, उस दिन देखा 4 घंटे के बच्चे को रेप कर, मतलब चाचा ने रेप किया पलंग के नीचे, और पलंग के ऊपर उनकी बीवी सोई हुई थी। मतलब क्या हो रहा भाई, ये जो हो रहा ना, ये ऐसे लोगों की वजह से हो रहा है, ऐसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं, यूथ फॉलो करती है, और ये रिश्तों के नाम पे 2-2 शादी कर रहे हैं, कि घर में 2-2 पत्नियों को रख रहे हैं, कपड़े उनके इतने घिनौने पहनो ना कपड़े,
पहनो कपड़े, तुमको हम बहुत सारी लड़कियाँ फॉलो करती है, तुमको बहुत सारी घर की औरतें फॉलो करती है, तुमको बहुत सारे लड़के फॉलो करते, तुम जो ये कपड़े पहन के एक ही मर्द के साथ दो दो औरतें एक ही छत के नीचे रह रहे हो, ये जो हमारी बेटियाँ हैं उनके ऊपर क्या क्या इम्प्रेशन गिरेगा? कभी आप लोगों ने सोचा है कभी? ये हिंदू है, हरियाणवी है, राजस्थान में उसका जन्म हुआ है, मुंबई से उसने एजुकेशन कंप्लीट की, फिर ये दिल्ली गया, दिल्ली में शादी किया, फिर ये लोग गए चंडीगढ़, चंडीगढ़ में रहे, फिर ये उसकी सहेली से शादी किया, फिर इस्लाम कबूल, इस्लाम कबूल करने के बाद वही हिंदू वाली ज़िंदगी। भाई ये तो फिर ऐसा होगा ना कि तुमने अपने कान छुपाने के लिए इस्लाम के आन लिया कि इस्लाम में तो दो तीन बीवियाँ जायज़ है, फिर तुमने इस्लाम कबूला, फिर तुमने फिर अपनी वही वाली ज़िंदगी, मतलब तो ये तो हमारा इस्लाम को बर्बाद करना हुआ ना, हमारे इस्लाम को बदनाम करना हुआ, है कि नहीं भाई? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुसलमान मर्द है जो अपनी बीवी के साथ ही रह रहे हैं, बहुत सारे क्या लगभग ज़्यादातर 80% मुसलमान जो अपनी बीवी के साथ ही रह रहे, पहली बीवी के साथ, उसके साथ ही ज़िंदगी के साथ बिता रहे और उसके साथ ही अंत तक जा रहे हैं अल्लाह के घर तक, और तुम अपने कान छुपाने के लिए इस्लाम धर्म कबूल करो, इस्लाम धर्म का मजाक बना रहे, बदनाम करने रहे, तो फिर खैर मतलब कि क्या बोलूँ, जो मैं देखती हूँ ना वही, मतलब कि मैं सोचती हूँ कि यार कल को जाके मेरा बेटा क्या सीखेगा, या फिर मेरी बेटी क्या सीखेगी। बेटी को स्कूल ट्यूशन भेजती हूँ तो मुझे अलग सा डर लगा रहा था कि मेरी बेटी सही सलामत वापस घर आएगी कि नहीं, क्योंकि जैसे ज़माना हो गया ना कि कल आपने सुना ना, बहुत सारे लोगों को पता होगा सिद्धू मूसेवाले के साथ क्या हुआ, शॉट डेड हो गया, 30 गोली उसको लगी है और गैंगवार का लग रहा था कुछ, तो वही पता है मैं रह रहे घर में रहती हूँ ना, अकेले मुझे ये चीज़ करती है कि मेरा पति भी बाहर गया, अभी सही सलामत घर में आएगा, फिर बेटी अभी की ट्यूशन में, बेटी अभी सही सलामत आएगी, कल को बेटा बुरा होगा तो उसके साथ बैठेगा, बाहर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, क्या पता वो भी सही सलामत है कि नहीं, क्योंकि हम कोई भी सेफ नहीं है। जो दुनिया है ना हमारे आस पड़ोस को लोग मुखौटा पहन के रखे, हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं जो ऐसे मीठी मीठी बातें करते हैं, मैंने देखा ऐसे एक दो लोगों को जब सही समय आता है ना, उनके उनके स्वार्थ की जब बात आ जाती है तो वो उनका सही जो रंग है ना वो दिखा देते हैं। खैर अल्लाह मालिक, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बचाए हमको, हमारी हिफाजत करे, बुरी नज़रों से, बुरी चीज़ों से हमको दूर रखे, यही दुआ है मेरी और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी, मेरे बच्चों की और मेरे शौहर की, हम सबकी जायज़ जो मुरादे हैं वो अल्लाह पूरी करे, हमारी जितने भी गुनाह है बाल बाल उनको माफ़ करे, बस इतना ही बोलूँगी आज का व्लॉग, इतना ही, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, दुआ के दरख्वास्त से दुआ में याद रखती, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, कौन सी वीडियो आप लोग मेरा ज़्यादा देखना पसंद करते हो, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। एंड एक रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग अपना घर का काम सब कुछ जिम्मेदारी ख़त्म करके एक दिन काम के बीच बीच वीडियो शूट करना, फ्री होके एडिट करना, सब कुछ करना, दोनों बच्चों को संभालना, सब करके आप देखना एक वीडियो बनाने में कितनी मुश्किल लगती है, अपलोड करने में कितनी मुश्किल होती है, फिर उस वीडियो पे अगर आप वीडियो देखोगे, अगर लोगों को पसंद आए फिर भी लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो उस चीज़ को बुरा लगता है। देखो यार, हम नंगा नाच नाचते कैमरा के सामने, ना कुछ गलत चीज़ें दिखाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, अपनी जो छोटी मोटी ज़िंदगी है वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग की बहन अगर कुछ अच्छा कर रही है इस्लाम में आके, इस्लाम का इज्जत रख रही है, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि आपकी इस बहन का जो है सपोर्ट करो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, उससे कुछ नहीं होगा, मुझे आपके एक लाइक से मुझे ना 1 रुपये मिलेंगे, ना 1 कमेंट से मुझे 2 रुपये मिलेंगे, बस इतना है कि मुझे मोटिवेट मिलती है मोटिवेशन कि हाँ मैं और वीडियो बनाऊँ, मुझे लोग पसंद करें, बस इतना मिलता है मुझे। और बाकी चैनल अभी तक मोनिटाइज हुआ नहीं, तो पैसों का तो सवाल ही नहीं उठता, चैनल मोनिटाइज होगा भी नहीं उसका भी मुझे अभी तक पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे चैनल अभी ऐसे रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या बात, आप लोग दुआ करो कि आप लोग की इस बहन की जो चैनल है वो मोनिटाइज हो जाए और आपकी बहन के बच्चों का थोड़ा फ्यूचर जो है सही मैं कर सकूँ, बस ये दुआ करना। और वीडियो पसंद आए या फिर मैं आप लोगों को पसंद हो, मेरी छोटी सी जिंदगी आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहला जो है नोटिफिकेशन आपको आए। और कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो में क्या कमी है और कौन सी चीज़ की आप वीडियो, कैसी वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी।
के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ अल्लाह आप लोग की हिफाजत करे, मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है। और आप लोगों का जो वक्त निकाल के आप लोग वीडियो देखते हो उसके वजह से थैंक यू एंड जज़ाकअल्लाह, आप लोगों की हर जायज़ मुरादें अल्लाह पूरी करे, तब तक बाय बाय।